get up, down to the bases. तो हम लोग जो चलते हैं आज के क्लास में एक्सेल, और एक्सेल में हमने क्या यहाँ से क्लिक कर दिया एक्सेल पे, और एक्सेल यहाँ से मैक्सिमाइज कर दिया। चलिए हम एक्सेल में क्या पढ़े थे। तो पिछले वीडियोज में हमने आपको पढ़ाए थे एक्सेल में होम टैब के बाद आपको इंसर्ट टैब हमने स्टार्ट कर दिया था, और इंसर्ट टैब के बाद आपको हम यहाँ पे पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे पिक्चर। तो आपको हमने यहाँ पे पिक्चर पढ़ाया, तो पिक्चर से आज चलिए हम लोग देखते हैं कि पिक्चर से पढ़ना क्या है। तो सबसे बड़ी चीजें है कि हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, और उसके बाद पिक्चर पे जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो इस तरह के बहुत सारे पिक्चर आ गए। जो भी पिक्चर यहाँ से आपको लेनी है या आप जहाँ भी रखे हैं उस पिक्चर के लोकेशन पे जाइए। जैसे मान लें कि मैं यहाँ पे इस पिक्चर को रखे हैं, तो इस पिक्चर पे आएंगे और इस पे मुझे क्लिक करके इंसर्ट यहाँ से करनी है। उसके बाद यहाँ पे आए और इंसर्ट करने एक फोल्डर खुला, मुझे इस पिक्चर को लेनी है, चाहे इस पिक्चर को लेनी है, जिस पिक्चर को लेनी है मुझे उस पिक्चर पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है बाबू, क्लिक करना। ये आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि मुझे जो भी पिक्चर की लेनी है मुझे क्लिक करना। जैसे मैं यहाँ से तितली के पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके इंसर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। क्या किया, क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके कुछ ही देरों के बाद यहाँ से आपको पिक्चर आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर आना, और फिर उसके बाद जैसे आपको पिक्चर आ गया और पिक्चर आने के बाद यहाँ पे चेंज पिक्चर करनी है, तो आप फिर यहाँ से आप इसे चेंज पिक्चर कर सकते हो। हुआ ना, जितने पिक्चर को आपको चेंज करनी है उतने में आप पिक्चर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए और आना, तो इस तरह से हम चाहें तो जितने भी पिक्चर मुझे इंसर्ट करनी है उतने भी पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं। हम अपने वर्किंग पेज पे रख सकते हैं, और ये फॉर्मेट वाले जो भी है पिक्चर आपको पढ़ाए थे हम किस में पढ़ाए थे आपको, वर्ड में। तो वर्ड को वीडियो जरूर देखना, और नहीं देखिएगा तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ से ब्राइटनेस कम हो रहा है, उससे कुछ से बढ़ेगा, ऊपर जितना इसे देगा सब बढ़ेगा, नीचे कम होगा। ऊपर बढ़ रहा है ना, कम होगा, उससे भी कम चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ माइनस में जाइए, माइनस में देखिए कम हो रहा ना, उससे भी कम चाहिए था। पिक्चर सेटिंग में जाइए और यहाँ से आपको कम बेस करनी है। सारी सेटिंग आपको वर्ड वाले वीडियोज में हमने आपको बताए हैं, और उसके बाद आपको ये कंपोज पिक्चर ही है, कंटेंट्स है, यहाँ से प्लस होते हैं, देखिए हो रहा ना, फिर नीचे कला ऊपर लाइटेस्ट, तो फिर उससे भी कला करनी है तो नीचे आ जाइए और कला। तो ये सारे चीजें मैंने उस वाले वीडियो में बताए हैं, और बेटर से बेटर नॉलेज के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। और फिर यहाँ पे री कलर दिया, यहाँ से आप कलर इसकी चेंज कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कलर चेंज हुआ ना। कंपोज पिक्चर करनी है उसी तरह, तो आप कंपोज कर दीजिए, देख लीजिए कैसे सिंबल है। चेंज पिक्चर करनी तो अभी यहाँ से हमने चेंज कर सकते हैं, और उसमें भी चेंज करके आपको बताए थे। तो यहाँ से चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, चेंज हुआ ना। और रिसेट पिक्चर करनी है तो रिसेट हो गई, सारी सेटिंग इसकी खत्म हो चुकी है। मतलब जैसे इसमें मेरा बड़ा वाला पिक्चर कोई ले लिया, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर हुआ, और इसे मुझे रिसेट पिक्चर करनी है, रिसेट हो गई, अपने सेट में आ गए। छोटा था इसलिए वो छोटा सा दिखाया। अब उसके बाद हमको करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिसेट करें फिर आ जाएगा बड़ा में, आया ना अपना काम में। मैंने जो भी सेटिंग कर रहे हैं उस सारे सेटिंग को अगर खत्म करनी है तो वो यहाँ से वो सेटिंग खत्म कर सकते हैं। आया समझ में ना सब किसी को, कोई दिक्कत अगर है तो जरूर बोले, जरूर बताया जाएंगे आपको। तो यहाँ से आ गए, अब यहाँ से स्टाइल दे रहे हैं, यहाँ से आपको चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए जिस तरह चाहिए। फिर यहाँ स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे गोला में रखनी है शेप में, तो गोला की शेप में हुआ, हुआ ना, उस तरह नहीं, मुझे इस तरह रखनी है तो इस तरह रख सकते हैं। शेडो हल्का चाहिए तो हल्का शेडो वाला आ जाएगा, देखिए इसके नीचे शेडो का हिंदी होता है परछाई। क्या होता है बाबू,
शैडो का हिंदी होता है परछाई। देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे परछाई आ चुका है। अब देखिए इससे मुझे इस तरह चाहिए चाहे इस तरह चाहिए, देखिए इसमें जिस तरह से मैं आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। ब्लैंक चाहिए, वाइट चाहिए, वाइट ब्लैंक चाहिए, दोनों चाहिए तो दोनों ले सकते हैं आप। अब दिया पिक्चर सेफ, पिक्चर का जो सेफ है वो आप चाहें तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मुझे बॉर्डर वाले सेप चाहिए तो बॉर्डर वाले सेप आ गए हैं कि नहीं है, उसी तरह आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज सिंबल दिए गए हैं। आप चाहें तो इस सिंबल में भी पिक्चर लगा सकते हैं, देखिए लगा ना। तो ऐसे करके आप चाहें तो सिंबल का आकार दिल भी बना सकते हैं, देखिए दिल बनाना। फिर चाहे तो आप यहाँ से प्लस का सिंबल भी बना सकते हैं, देखे बनाना। फिर चाहे तो आप यहाँ पे आप चांद हो, फूल हो, सन हो, जो भी हो यहाँ से आप इसके आकार बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। तो आप भी कोशिश कीजिए बनाने की, हमने जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे आप भी बनाइए, जरूर बनेगा। नहीं बनेगा फिर हम आपके साथ हैं, आपको हम सहयोग करेंगे, आपको हम हेल्प करेंगे, जरूर आएगा बनाने। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इस तरह की सिंबल में मुझे चाहिए तो इस तरह हो गया ना। अगर मुझे इस तरह की सिंबल में चाहिए तो इस तरह की सिंबल में हुआ ना। तो ऐसे करके आप पिक्चर शेप को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत कोई डाउट, चलते हैं अब अगले क्लास, देखते हैं इसमें क्या है। अब अगले क्लास में इसमें दिया गया है बॉर्डर, पिक्चर बॉर्डर, जो ये ब्लैक कलर के जो बॉर्डर दिख रहे हैं ना, इसकी कलर को आपको अगर चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर। तो मैंने रेड पे गए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए उस तरह से मेरा क्या हुआ, रेड का बॉर्डर हो गया, रेड कलर का मैंने चूज किया। तो उस तरह से मुझे ब्लू करनी है तो ब्लू पे क्लिक करेंगे, देखिए जहां भी हम माउस ले जाएंगे और उस पे क्लिक कर देंगे तो वो मेरा बॉर्डर कलर हो जाएगा। सिर्फ माउस लगा के छोड़ देने से सिर्फ अभी प्रेजेंट में दिखाएगा, फिर माउस इधर ले जाएगा उधर हो जाएगा, जब तक आप क्लिक नहीं कीजिएगा जब तक इसका फाइनल कलर नहीं होगा। जैसे मुझे पीला करनी है तो यहाँ से पीला कर सकते हैं, ग्रीन करना है तो मैं ग्रीन कर सकते हैं, हरा करना है, नीला करना, नहीं रखनी है तो नो कर सकते हैं, नहीं ना। अगर इससे ज्यादा कलर बने तो मोर कलर पे जाएंगे, इस कस्टमाइज कलर में कोई भी चूज कर लीजिए। जैसे मैंने गुलाबी कलर चाहिए, गुलाबी कलर पे हमने क्लिक किया और यहाँ से मैंने ओके किया तो यहाँ पे बन गया ना आउटलाइन कलर। अगर मुझे इससे भी पसंद नहीं है तो मुझे देखिए न्यू दे रहा है, न्यू बना या करेंट, पहले से इसमें कलर जो है न्यू है ये और ये है करेंट, ओके कर दीजिए, आ गया न्यू वाला कलर। तो ऐसे कलर हम लोग चेंज करते हैं। तो न्यू और करेंट समझ गए, जिस पे क्लिक कीजिएगा वही न्यू वाले कलर में आएंगे, नहीं तो बाकी रहेंगे आपको करेंट कलर। अब हम चलते हैं कस्टमाइज वाले कलर पे, किस पे चलते हैं बाबू, कस्टमाइज वाले कलर पे। और कस्टमाइज वाले कलर पे देखिए दो स्क्रोल को मिलाकर एक कलर होते हैं, मतलब दो यहाँ पे एरो दिए ना, दो ऑप्शन को मिलाकर एक कलर बनते हैं। जैसे मुझे हल्की कलर चाहिए तो ऊपर ले जानी होगी, अगर मुझे गाढ़ा कलर चाहिए तो नीचे की तरफ लानी होगी, ज्यादा चाहिए तो नीचे की तरफ लानी होगी। तो मैंने नीचे की तरफ ला दिया ना, अब हमें कौन सी कलर चाहिए वो कलर मुझे यहाँ चूज करनी है, दोनों को मिक्स से ही ये कलर बनेंगे। अगर मुझे रेड चाहिए अब इसके हिसाब से थोड़ी सी कलर को मिक्स कर सकते हैं, जिस टाइप की हम मुझे कलर चाहिए उस टाइप की हम कलर बना सकते हैं। जैसे मैंने यही कलर मुझे पसंद हुआ तो यहाँ तक मैंने ला दिया और यहाँ से जैसे मैंने ओके करेंगे तो यहाँ पे जो आउट लाइन जो कलर दिख रहा है या बॉर्डर कलर कहिए जो दिख रहे हैं पीला, वो आपका चेंज हो जाएगा, वो आपका कलर हो जाएंगे रेड, क्योंकि मैंने रेड ही से
बना रखा है, इसलिए यहाँ से मैंने ओके कर रहा है। और देखते हैं, देखिए जैसे मैंने ओके किया उस तरह मेरा क्या हुआ, रेड हो गया। तो आया मैं समझ में सब किसी को? अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन दिया हुआ है वेट, इसमें आपकी इसकी मोटाइया को आप बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर की जितनी मोटा करनी है, मैंने इतना मोटा किया और इससे ज्यादा चाहिए तो मोर लाइन सजाइए और यहाँ से अपनी सजाइए। अगर मुझे डॉट टाइप के चाहिए और इससे मोटी चाहिए तो देखिए मोटा होगा ना, उससे भी मोटा चाहिए तो यहाँ से प्लस कीजिए, हो रहा है ना, प्लस कीजिएगा और मोटा होगा ही। देखिए देखिए देखो 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 ध्यान से देखो बाबू, इधर उधर ध्यान देगा फिर आपका वाह कितना मोटा होता जा रहा है, कितना मोटा इसको करेगा रे। छोड़ दो छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने, इतना मोटा देखो हो गया ना। अगर मुझे ये चाहिए इस टाइप में तो इस टाइप में वाह क्या बात है, देखो 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 किस तरह दिखने लगा। फिर उसके बाद हमको चाहिए नहीं, मुझे इस तरह चाहिए देखो, है ना डिजाइनर। तो डिजाइनर अपने हाथ में बनाना अपने हाथ की कला है। अब चलते हैं डैश टाइप में चाहिए तो यहाँ पे डॉट टाइप में भी आप आ सकते, देखिए वाह क्या बात है, देखो देखो अच्छा लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे डॉट टाइप से और चाहिए तो और चाहिए, जिस टाइप से आप यहाँ से सजा कर देख लीजिए, आपको जिस टाइप से आपको सेफ का स्टाइलिश आपको चेंज करनी है उस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। अब वहाँ से ये मीटर चाहिए, राउंड चाहिए तो राउंड लीजिए, मीटर चाहिए तो जो भी चाहिए वो यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ से चेंज हो जाएगी। उसी तरह शेडो लगानी है, शेडो की कलर करनी है तो शेडो का आप कलर कर सकते हैं। तो मान लेगा मुझे यहाँ से लानी है तो यहाँ से इसको कलर को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बढ़ रही है ना हल्की से अंदर की कलर, देखो पीला हुआ तो ऐसे करके इसका कलर चल जाए। फॉर्मेट सेल में जाइए, मुझे इस टाइप से चाहिए तो इस टाइप से आ गया ना, इसकी कलर करनी है पीला तो पीला कलर कर दीजिए, जो भी कलर करनी है आप यहाँ से इसकी कलर कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें रहे आपकी कलर की, जो कलर है वो कलर होगा ना, नहीं मुझे रेड कलर की चाहिए तो रेड कलर लो लो भाई, ये तुम्हारे ऊपर ब्लैक चाहिए देखो आया ना। उसी तरह थ्री रेडिएशन है, जो भी चाहिए सारे चीजें आपके एक एक करके पढ़ाए गए हैं आपको, ये सर इसमें आप छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो भाई मजबूरी है। अब उतनी सारी वीडियो बताएंगे तो मेरा 39 को वीडियो बन चुका है तो फिर इसमें भी 39 वीडियो मुझे बनानी होगी, तो फिर बनाएंगे तो फिर आप कहिएगा एक ही वीडियो को बार बार बता रहे हैं। तो आपकी आवश्यकता है उस वीडियो पे जाइए और उस वीडियो को देखिए, बहुत समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर हम हैं आपके पास, यहाँ से मोटा पतला कर सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से देखिए, तो ये सारे चीजें हैं सेटिंग, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं नचा सकते हैं। उसी तरह पिक्चर की आप कौन सी कलर करना चाहते हैं पिक्चर को, यहाँ से बढ़ा सकते हैं यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है इसको भी उसी तरह से हम यहाँ से रिसेट पिक्चर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखनी है, टेक्स्ट लिखा हो रहा इस पर काम करेगा, फिल करनी है सबमिट करनी है जो करना है, तो ग्रिड फिल करनी है जो भी करनी है यहाँ से कर दीजिए, ओके कर दीजिएगा हो जाएगा। मैंने क्लोज कर दिया तो क्लोज हो गया। अब चलते हैं पिक्चर इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए इस पे इफेक्ट डालनी है तो इफेक्ट डलाएगा ही, सबसे पहले इसे थोड़ी सी छोटी कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखेगा, नहीं तो नहीं दिख पाएगा। आया ना यहाँ पे, अब हम चलते हैं इफेक्ट में। देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो कितना बहुत कम दिखने लगा ना, उसी तरह मैंने इसको क्लिक करेंगे देखो इस तरह हुआ, जिसका क्लिक करेंगे सबका अलग अलग, देखो ये इस तरह हुआ,
ये इस तरह होगा, उसी से नीचे यहाँ है ये इस तरह होगा, सबका अलग अलग देखो, ये देखो कितना किताब की जैसे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब उसी तरह है आपको इसमें बहुत सारे चीजें है, स्टाइलिश है। फिर आपको यहाँ पे आ जाएंगे आया, तो एक एक चीज करके आप देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं इसमें, देखो इसका कलर, वाह नाइस, देखो कितना अच्छा हो गया। तो ऐसे करके आप कलर इसमें ला सकते हैं। फिर मान लीजिए कि मुझे इस टाइप में चाहिए, तो इस टाइप में आपको मिल जाएगा, जिस टाइप में आपको चाहिए उस टाइप में आप ले सकते हैं। देखिए इसी तरह इधर है, जिस तरह है उधर आप ले सकते हैं। 2.5 चाहिए, देखिए 2.5 हुआ। और उसी तरह यहाँ पे बिंग टू, फ्रॉम टू, सेंड टू, एक दो पिक्चर लीजिए, पिक्चर आगे पिक्चर पीछे जाएंगे, और फिर उसी के नीचे दिया हुआ सेलेक्ट अ पेज, आप सेलेक्ट द पैनो, पैनो को सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट कर लीजिए, ये लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, सारे चीज पिछले वीडियो में, ग्रुप बनाना, रोटेट करना, किधर से पलटना है पिक्चर को, किस साइड करनी है, किस साइड नहीं करनी है, क्रॉप करना है, छोटी सी पिक्चर को करनी है तो यहाँ से छोटा कर लीजिए, कट करना है तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। इसके बाद इंटर दाब दीजिए, आपका छोटा हो गया। फिर उसी के बाद है यहाँ पे इस लंबाई को आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बढ़ाना, देखो यहाँ से छोटा हो गया पिक्चर के साइज, छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। हाइट को आइए, चौड़ाई को देखो, चौड़ाई को बढ़ रहा है ना, देखो ये जे की तरफ बढ़ रहा है ना, आइए 64, देखो 64 के बाद तो ऐसे लंबाई चौड़ाई इसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ मेरा, अभी तक पिक्चर के अंतर्गत जो भी सारे फंक्शन आते हैं, आज के क्लास में हमने सारे फंक्शन यहाँ से इंसर्ट करने के बाद जो आते हैं सारे हमने क्या किया बता दिया। तो ऐसे करके मुझे बताना था तो सब मैंने बता दिया, ये है आपको 57 58, तो इस तरह करके इसको कर लेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा फिर बोलिएगा, आपको जरूर बताया जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहा।